नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा सिंह। सबसे पहले आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं यूपी की सियासत की। उत्तर प्रदेश में लगातार सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में सियासत गर्माना लाजमी हो जाता है। देखने के लिए मिलता है कि वो नेता किस तरह से पलटते हुए नजर आते हैं अपने बयानों से। बात हो रही है यहाँ पर अखिलेश यादव की। वो अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं, उनसे मुलाकात करते हुए नजर नहीं आते एक भी बार। महीनों से आजम खान जेल में बंद है, लेकिन जैसे ही चुनाव सर पर आए, जैसे ही उन्हें लगा कि आजम खान कहीं किसी दूसरे से हाथ ना मिला ले, किसी और को समर्थन ना दे दे, तो तुरंत अखिलेश यादव सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाते हैं सीतापुर जेल और मुलाकात करते हुए आजम खान से नजर आते हैं। चर्चा का विषय यह नहीं है कि आजम खान से आखिरकार इतने दिनों बाद अखिलेश यादव क्यों मुलाकात करने के लिए गए। इस खास रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं आजम खान की बेटी एकता कौशिक की। आखिरकार अचानक से क्यों एकता कौशिक को लेकर चर्चा जोरों शोरों से हो रही है? आखिरकार एकता कौशिक कौन है? आखिरकार उनके बारे में अब तक किसी को कोई जानकारी क्यों नहीं थी? आखिरकार आजम खान ने आज तक अपनी इस बेटी एकता कौशिक के बारे में कभी किसी से बात क्यों नहीं की? ये तमाम सवाल बनते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव ने जेल में बंद आजम खान से रामपुर सीट को लेकर चर्चा की है कि आखिरकार आजम खान क्या चाहते हैं, रामपुर सीट से किसे टिकट दिया जाए। सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव ने रामपुर सीट को लेकर आजम खान के सामने 2 से 3 नाम रखे हैं, जिनमें आजम खान की बेटी एकता कौशिक का भी नाम शामिल है। अब अगर एकता कौशिक की बात करें तो आपको बता दें कि एकता कौशिक आजम खान को अपना पिता मानती हैं और वे उनको अपनी बेटी, लेकिन आजम खान का उनसे खून का रिश्ता नहीं है बल्कि वो तो उनकी मुंह बोली बेटी है। दरअसल आपको बता दें कि आजम खान और एकता कौशिक के बीच के रिश्ते की वजह है उनके बेटे अदीब आजम। जी हाँ, अदीब आजम। दरअसल आपको बता दें कि एकता कौशिक और अदीब आजम बेहद ही अच्छे दोस्त है और ऐसे में एकता कौशिक का आजम खान के परिवार के घर पर काफी ज्यादा आना जाना होता था। इस दौरान एकता कौशिक का आजम खान और उनके परिवार के साथ गहरा रिश्ता हो गया। कई बार घर पर आना जाना लगा रहता था और जिसके चलते एकता कौशिक सबकी लाडली बन गई और आखिरकार इसीलिए आजम खान और उनकी पत्नी तंजिन फातिमा ने उन्हें अपनी बेटी मान लिया। मुंह बोली बेटी एकता कौशिक भी आजम खान को अपने पिता समान मानती है, इसीलिए जब भी पिता पर कोई आंच आती है तो एकता कौशिक अचानक से बौखला उठती है। जब आजम खान की कुछ समय पहले यानी कि 1 से 1.5 साल पहले अचानक तबीयत खराब हो गई थी, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, तब भी देखने के लिए मिला था कि एकता कौशिक आजम खान से मुलाकात करने के लिए हॉस्पिटल गई थी। तस्वीर भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल होती हुई नजर आई थी, लेकिन तब किसी ने भी एकता कौशिक के बारे में चर्चा नहीं की। हर किसी की जो निगाहें थी वो सिर्फ और सिर्फ आजम खान पर थी, उनकी तबीयत को लेकर थी। लेकिन अब एकता कौशिक की चर्चा लगातार हो रही है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव एकता कौशिक को रामपुर सीट से टिकट दे सकते हैं। जैसा कि हमने आपको अभी बताया ही कि आजम खान इस वक्त सीतापुर जेल में बंद है। आजम के साथ साथ उनकी पत्नी तंजिन फातिमा रामपुर जेल, तो वहीं बेटे अब्दुल्ला आजम हरदोई जेल में बंद है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अब अखिलेश यादव एकता कौशिक को यहां पर रामपुर सीट से टिकट दे सकते हैं, लेकिन अभी तक पुष्टि यहां पर नहीं हुई है। आजम खान भी जो यहां पर कहीं ना कहीं इस बात पर सहमति जता चुके हैं और वो अखिलेश को अपना समर्थन भी दे चुके हैं, लेकिन इंतजार है समाजवादी पार्टी की तरफ से मोहर लगाने की। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या पिता की विरासत को संभालती हुई नजर आएंगी बेटी एकता कौशिक, क्या रामपुर पर जीत हासिल होती हुई नजर आएगी एकता कौशिक को या फिर नहीं, देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।